ट्रैक्टर रैली के साथ ओजटू स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचेगी भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा, जेसीबी से होगी फूलों की वर्षा। भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा कल यानी 18 सितंबर को झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा को खुड़ाना से लेकर आयोजन स्थल ओजटू स्थित दादा सत्ता मंदिर तक ट्रैक्टर रैली के साथ लेकर आया जाएगा। इसके बाद आयोजन स्थल के बाहर जेसीबी से फूलों की बारिश से स्वागत किया जाएगा। आज रविवार को आयोजन स्थल ओजटू स्थित दादा सत्ता मंदिर में पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व प्रधान ने बताया कि आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दोपहर बाद पहुंचने वाली इस यात्रा का खुड़ाना से ट्रैक्टर रैली के साथ आयोजन स्थल तक लेकर आया जाएगा। इसके बाद आयोजन स्थल पर जेसीबी से फूलों की बारिश होगी। स्वागत के बाद सभा का भी आयोजन होगा। राम जी, कल पिलानी विधानसभा में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगमन है। इस अवसर पर खुड़ाना में यात्रा का ट्रैक्टर रैली द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद ओजटू दादा सत्ता मंदिर प्रांगण में स्वागत सभा रखी गई है। इस अवसर पर आप सभी पिलानी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। भाजपा नेता मनोज आलड़िया की अगुवाई में परंपरागत तरीके से होगा भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत। सूरजगढ़ बाईपास पर खुशी होटल के सामने होगा आयोजन। चिड़ावा शहर के खुशी होटल के सामने भाजपा नेता मनोज आलड़िया की अगुवाई में परंपरागत तरीके से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत होगा। इसमें 51 किलो की माला ढोल बाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर एवं ऊंट गाड़े भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। भाजपा नेता मनोज आलड़िया ने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जनता केवल विधानसभा का चुनाव का इंतजार कर रही है। आलड़िया ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का स्वागत किया जाएगा। भाजपा नेता मनोज आलड़िया ने आज आयोजन स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान आलड़िया के साथ गोविंद सिंह शेखावत, विकास कसवा, राम सिंह गेट गुमनसर, अजय, संजय सैनी, अनिल डांगी ओजटू, सोमेश लांबा, अनिल श्योरान, पवन सैनी, सुनील धनखड़, सुरेश हवलदार, मोहर सिंह कसवा, नरेश सुनील आदि मौजूद रहे। यात्रा का मकसद तो है जो अपने राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार कर रखा है और जो लूटपाट मचा रखी है, उसके लिए सरकार को बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है जो हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आज पहुंच गई है, कल हमारी विधानसभा में पहुंच जाएगी और शाम को 4-5 बजे के करीब अपने चिड़ावा पहुंच जाएगी। यात्रा के लिए आप वैसे तो देख ही रहे हो, टेंट वगैरह लग रहे हैं, स्टेज वगैरह लग रहे हैं, जो उनका स्वागत प्रोग्राम हमें दिया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे से अच्छा स्वागत करें, जो एक ज़िले में अच्छा संदेश जाए, एक प्रदेश में अच्छा संदेश जाए, एक पब्लिक में अच्छा संदेश जाए, जिससे पब्लिक इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंके, ऐसा कोई हम संदेश देना चाह रहे हैं। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया की अगुवाई में सूरजगढ़ बाईपास पर होगा परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत। दिलेर खरगिया देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। चिड़ावा शहर के सूरजगढ़ बाईपास पर जनता होटल के पास भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत होगा। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया की अगुवाई में यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। यात्रा के पहुंचने से पहले राजस्थानी एवं हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। करीब 3:30 बजे से ये आयोजन शुरू होगा। इसके बाद यात्रा का आयोजन स्थल पर पहुंचने पर स्वागत होगा तथा सभा का भी आयोजन होगा। दहिया ने दावा किया है कि इस आयोजन के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिले की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। आज भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, अशोक शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दहिया ने बताया कि आयोजन के दौरान जब यात्रा पहुंचेगी तब जेसीबी से पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा और फिर सभा का आयोजन होगा। देखिए, शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में ये यात्राएं चल रही हैं और कल 18 तारीख को शाम को 3:30 बजे परिवर्तन संकल्प यात्रा चिड़ावा पधार रही है और हम सब लोग, कार्यकर्ता लोग,
इसी संकल्प के साथ कि परिवर्तन लाना है, सरकार बदलनी है, भाजपा की सरकार लानी है, यही संकल्प लेते हुए और उसकी पूर्व तैयारियों में यहाँ लगे हैं। उसी के निमित्त सारी व्यवस्थाओं का हम जायज़ा ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। राजस्थानी संस्कृति को देखते हुए, राजस्थानी कल्चर के जयपुर से कुछ कार्यक्रम के लिए कुछ कलाकार बुलाए हैं और अपने हरियाणा सीमा से लगता हुआ है तो हरियाणा कल्चर का भी कोई एक कार्यक्रम रखा है। बुधा का बास में घर में बने कुंड में मिला युवक का शव, परिजनों ने गुमशुदगी करवाई थी दर्ज। मलसीसर क्षेत्र के बुधा का बास में घर से निकले युवक का शव घर में बने कुंड में ही मिल गया। इस मामले में परिजनों ने शनिवार को ही मलसीसर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को अनिल महला पुत्र शिशुपाल सिंह के घर से गायब होने की एमपीआर दर्ज हुई थी। वह शुक्रवार को ही परिजनों के खेत में जाने के बाद कुंड में गिर गया था, लेकिन इसका पता नहीं चला, तब उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। परिजनों ने घर में बने कुंड में देखा तो उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस ने कुंड से शव निकालकर मलसीसर CHC में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। ककड़ेऊ कला में OTP पूछकर एक युवक के खाते से निकाले गए 78,000 रुपये पुलिस ने करवाए रिफंड। मलसीसर थाना क्षेत्र के ककड़ेऊ कला के एक युवक के खाते से निकाले गए 78,477 रुपये पुलिस की सक्रियता से 6 महीने बाद रिफंड हो गए। मलसीसर थाना अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि मार्च में ककड़ेऊ कला के बंटी ने थाने में परिवाद दिया था कि उसके पास किसी कोरियर एजेंसी से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने OTP पूछकर उसके खाते से 78,477 रुपये निकाल लिए। मामले की जांच कांस्टेबल मुकेश मौर्य को सौंपी गई। साइबर ब्रांच की मदद व कॉल डिटेल से बैंक का पता किया गया। इसके बाद संबंधित बैंक की मदद से उस अकाउंट को होल्ड करवाया गया। लीगल प्रोसेस व कोर्ट के आदेश के बाद परिवादी के खाते में रुपये रिफंड करवा दिए गए हैं। मंडरेला स्थित शीतल गौशाला में भाजपा मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। मंडरेला स्थित शीतल गौशाला में भाजपा मंडल मंडरेला के तत्वाधान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मंडरेला गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर गौ सेवा के रूप में जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर पिलानी विधानसभा विस्तारक करशन गुज्जर, मंडरेला मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, भाजपा नेता एडवोकेट ईशान मिश्रा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज व्यास, जयपाल सिंह निर्वाण, सुशील जोशी, राधेश्याम शर्मा, संजय शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी जिला मंत्री विकास मेघवाल, लियाकत खान, असलम खान सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।